200 किलोमीटर के आसपास से है। तो चलिए जानते हैं भैया से कि भैया कहाँ से आए हैं और ये जो डॉग लेने आए हैं वो दूसरे डॉग के लिए है। तो चलिए आपको मैं वो दूसरा डॉग भी दिखाता हूँ और उसकी क्वालिटी बहुत ही मतलब शानदार ब्रीड होता है ये। और इस ब्रीड की मेन क्वालिटी है ना आराम से मेंटेन किया जा सकता है। जैसे आपका अपार्टमेंट टाइप का घर हो या अपना घर हो या कोई रेंज का घर आपको आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत पपी है। तो चलिए मैं पहले आपको पपी दिखा देता हूँ और ये कस्टमर भी आया काफी दूर से आया यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास से है। तो चलिए जानते हैं भैया से कि भैया कहाँ से आए हैं और ये जो डॉग लेने आए वो डॉग देख लीजिए आप लोग किस टाइप का है, क्वालिटी कैसी लगी वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताइए डॉग कैसा लगा आप लोगों को क्वालिटी इसका। और ये बच्चा अभी 2 महीने प्लस ये बच्चा है और ये बच्चा भैया कहाँ से आया और इससे रिलेटेड अगर इनके कोई सवाल है उनका भी जवाब देंगे। आप लोग का भी जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। भैया नमस्कार, भैया कहाँ से हैं आप? मोतिहारी से। मोतिहारी में कहाँ से? मोतिहारी प्रॉपर मोतिहारी। प्रॉपर मोतिहारी से। नाम क्या होगा आपका? अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र दो से। तो ये भैया आने से पहले एडवांस किया था चार वो आप इसको पहले बुक करा है इन्होंने और ये एक दिन के बाद आ रहा है। एक दिन के बाद आ रहा है। तो ये बच्चे को बच्चे की जो मैंने फोटो वीडियो डाली थी तो क्या भैया से जानते हैं वो सेम वैसे ही है या कुछ फोटो वीडियो डाला था भैया? हां सेम। तो चलिए हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे भैया, बच्चा आपको जो एडवांस लेने के बाद आपको जो बच्चा मिला सेम टू सेम वैसे ही है? आपने तो डॉग पहले से बात रखा है, अभी दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो बनाने का जरूरत नहीं है सर। बट फिर भी मैं बता दूं अगर कोई बच्चा नया ले जाते हैं कोई भी कस्टमर तो पहले जब आप डाई का स्टार्ट करें तो पहले बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे डॉग को, ठीक है, ताकि वो खाना डाइजेस्ट आसानी से कर ले क्योंकि जगह चेंज होता है तो उसके हिसाब से उसका खान पान चेंज होने के कारण गैस पेट में बनना, लूज मोशन, वॉमिटिंग ये सब टाइप की परेशानी होती है। इसलिए जब डॉग अभी भी घर पे ले जाए तो पहले बहुत कम अमाउंट में दे, धीरे धीरे बढ़ा के दे। रीजन बस यही होता है हम लोग का कहने के पीछे क्योंकि भैया डॉग की गारंटी तो ले लेंगे लाइफ टाइम की, लेकिन इसके लाइफ की गारंटी लेने के लिए तो भाई भगवान को आना पड़ेगा। चलिए तो चलिए तो भैया वो कैनल दिखाते हैं आप लोग को। अगर कैनल देख रहे हैं हमारा तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें आप देखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्य पाठक से। आज हमारे पास जो दूसरा क्लाइंट आया हुआ है वो दूसरे डॉग के लिए है। तो चलिए आपको मैं वो दूसरा डॉग भी दिखाता हूँ और उसकी क्वालिटी बहुत ही मतलब शानदार ब्रीड होता है ये। और इस ब्रीड की मेन क्वालिटी ये है कि ह्यूमन के बीच में रखे ना कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो इस ब्रीड की ये क्वालिटी है कि ह्यूमन के बीच में काफी ज्यादा रहना पसंद करता है और ये बिना इंसान के या बिना ऑनर के ये काफी परेशान हो जाता है। ये डॉग ब्रीड आपके बहुत छोटे साइज के होते हैं और ये हर तरह के घर में आराम से मेंटेन कर जा सकते हैं। जैसे आपका अपार्टमेंट टाइप का घर हो या अपना घर हो या कोई रेंट पे घर हो आप उस टाइप के घर में भी आप इसको रख सकते हैं। बेसिकली ये टॉय ब्रीड में ही आते हैं, मीडियम साइज डॉग ब्रीड है ये और इनका साइज आपका लगभग 22 इंच के आसपास होता है। सॉरी मैंने गलत बोली, 15 से 17 इंच के आसपास होता है। फीमेल लेने के जो हमारे पास कस्टमर है। नमस्कार भैया, कहाँ से है भैया? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। नाम क्या हुआ भैया आपका? मेरा नाम विशाल सर। विशाल सर, तो भैया ये बिगर कह लीजिए कैनल कह लीजिए अच्छा तो लगा बहुत अच्छा लगा।
आप ऊपर जाकर के हम ऊपर क्या हुआ तुमको? अरे इतना ज्यादा एक्टिव कि बच्चा आप कभी भी परचेस करें तो जरूर से देखें बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ये इतना ज्यादा एक्टिव है नहीं जो फोटो में दिखाया था वो गिट्टो वही है। चलिए तो भैया का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस डॉग को लेकर के, और बिगर डॉग होते ही इतने प्यारे हैं, और भैया को कैनल वगैरह भी अच्छा लगा। खाने पीने के बारे में भैया जो भी डिटेल था वो तो बता दिया गया है। जी आपके द्वारा भी सब बता दिया। चलिए अगर कुछ रह जाता है तो नंबर है ही, और नंबर आपका आपके पास तो होगा ना? जी नंबर है आपका। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। देखो ना कोई क्लाइंट आ रहा होगा। नहीं अच्छा।